बातें नहीं हो। आज मैं चैप्टर रिवाइज करा दूंगा बेसिकली। अरे हो गई बात, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिवाइज करा दूंगा चैप्टर ऊपर ऊपर से, ठीक है। कल तो क्लास होगी, कल लाइट क्लास है सुबह, ठीक है, सेम टाइम 7 बजे, ठीक है। 7 से लेकर 8:30 बजे तक जैसे क्लास होती वही होगी प्रॉबेबली, हो सकता है 9 तक हो जाए, पर 7 से तो होगी, ये तो श्योर है, ठीक है। 1.5-2 घंटे क्लास है, पूरा लाइट खत्म कर देंगे ऑलमोस्ट जितना एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। अच्छा खासा लेवल पे खत्म हो जाएगा, कल ध्यान रखना, ठीक है। और मंडे से मैथ्स में जो स्टार्ट होगा वो तुम्हारा यही चैप्टर चलेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन चलेंगे फिर, ठीक है। और मंडे से फिर ट्यूजडे और साइंस में तुम्हारा लाइफ प्रोसेस खत्म होने की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ ही रहा है, धीरे धीरे होता जाएगा, ठीक है बस। और इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन आजकल शाम को हो ही रहे, तो उसको करने होंगे तो आ जाना, नहीं करने होंगे तो भी आ जाना, क्या कर सकते हैं ना, टाइम वेस्ट मत करना। और कॉपी चेक करूंगा मैं एक दिन, ध्यान रखना सबके सब, यूट्यूब वाली पूरा काम होना चाहिए, जितने साइंस के पेपर कराए सारे के सारे देख लेना, ठीक है, ध्यान से। चलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फटाफट पूरा चैप्टर रिवाइज कराते फटाफट, जिसको नहीं भी आता वो भी देख लेना एक बार, सब आ जाएगा उसको, ध्यान से बस पेन नीचे रख के सुनते रहो पूरा चैप्टर, जब लिखने के लिए बोलूंगा तब लिख लेना आराम से, ठीक है, लिखने का टाइम देंगे। इस चैप्टर में हमारे नहीं बोलोगे तो शायद मैं माफ कर दूंगा, हमारे पास इक्वेशन होती है AX + BY + C = 0, स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ ऐसी होती है जिसमें राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0, बाकी सब लेफ्ट में होना चाहिए। जैसे इक्वेशन है X + 4Y = 5, क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, नहीं, प्लस का 5 इधर आके क्या बनना चाहिए, -5 और = 0, ये स्टैंडर्ड हो गई। अब इसको देख के क्या आप एबीसी निकाल सकते हो, ए कितना है, ये थोड़ी पूछा तेरी कितनी एक्स है, ठीक है, ए की वैल्यू 1, बी कितना है 4 और सी कितना है -5, तो ऐसा हम एबीसी, ऐसी इस चैप्टर में हमारे पास 2 इक्वेशन होगी, कितनी होंगी, 2, एक ये 2 इक्वेशन होंगी। अब इन पे बेस हमारे पास 3 कंडीशंस होती है जिसपे बहुत सवाल आते हैं, 3 कंडीशंस होती है, याद है, ठीक है। पहली कंडीशन है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन में लाइंस कैसी होती है, पैरेलल। अच्छा एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, इसमें कैसी होती है लाइनें, इंटरसेक्टिंग। बातें मत करो, तुमसे ही पूछूंगा अभी जब लिखा दूंगा ना सारा का सारा। लास्ट होती है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, अब जरा कंडीशन देखिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कंडीशन है तीनों इक्वल, A1 upon A2 = B1 upon B2 = C1 upon C2। इंटरसेक्टिंग कंडीशन क्या है, A1 upon A2 = B1 upon B2, और पैरेलल की A1 upon A2 = B1 upon B2 but not = C1 upon C2। अभी नोट नहीं करना, कोई नोट नहीं करना, इसमें जिस चीज का मीनिंग समझ आए पूछ लेना, ठीक है। पहला पार्ट चैप्टर में बस यही है जिसमें हम अननोन वेरिएबल वगैरह निकालते, सब यही है, ठीक है। इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें हम 3 मेथड्स पढ़ते हैं, कौन कौन से, एक होता है सब्स्टिट्यूशन। ग्राफिकल मेथड में सिर्फ एक आध क्वेश्चन कराए होंगे वो इंपॉर्टेंट है, बाकी ग्राफिकल ज्यादा मत पढ़ना उसके पीछे, ठीक है, एक दो इक्वेशन सॉल्व कर लेना ग्राफिकल से। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल क्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे सिलेबस से हट गया है, ठीक है ना। 3 मेथड पढ़े थे हमने, हाँ यार यही 3 पढ़े थे, ठीक है। इसमें से एक मेथड मैंने कहा था अच्छे से सेलेक्ट कर लेना जो आपको अच्छा लगे, जिसको जो अच्छा लगे अपने हिसाब से निपटा लो, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली सबको ज्यादातर एलिमिनेशन ही पसंद आता है, ऐसा कुछ बताया था, हाँ या ना, ठीक है। अभी तीनों पे बेस्ड एक सवाल करेंगे तो हमें मेथड भी समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले ये नोट कर लो जरा, क्योंकि तुम्हें याद तो रहता नहीं, फटाफट लिखो, हाँ भाई जल्दी लिखो, कर लेंगे इस बार, तुमने तो बोला ब्लड प्रॉब्लम कैंसिल हो गई, मैं तो करा ही रहा था उस लेवल की, मतलब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाली का कराई स्कूल में, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कराई स्कूल में, कराएंगे तब बताना, क्योंकि हट सकता है वो, मेरे को लग रहा है, तो साल ठीक है, देखते हैं क्या होता है। हमारे स्कूल का लग गया रिजल्ट, देख ली फोटो, तो चिड़ क्यों रहा, अरे छोड़ना, उसकी केमिस्ट्री में कितने ज्यादा बताई इन सबको, थ्योरी में और टोटल कितने 95 उसके केमिस्ट्री में 95 उसके
और 30 में 30 मिला ना, और आयन की तो 95 है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में था, मैंने पूछा नहीं, मैथ्स में कार्तिकेय आता उसके ज्यादा। तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट लग गया कार्तिकेयन के, कार्तिकेयन के केमिस्ट्री में उसके 92 है क्या केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में तो अपने एक्सपेक्टेशन से कम, उसकी एक्सपेक्टेशन 100 की थी ना, अब उसको पास तो होना नहीं था तुम्हारी तरह सिर्फ, वरना वो भी खुश हो रहा होता तेरी तरह। मेरे को उम्मीद उसकी नहीं थी, उसके साथ ना रितेश, उसके केमिस्ट्री में 94 है, उससे ज्यादा है उसके 94 उसके केमिस्ट्री उसके ज्यादा है। रायन के भैया बताने में 93 उसकी, हाँ लगा तो उसका नाम तो सबसे ऊपर है अभी बोर्ड में भी लगेगा। किसके रायन अभय के, अभय के केमिस्ट्री में 89 कुछ ऐसे उसके, और उसके छोटे भाई की सही आ रखे, जितना उसके भाई पढ़ता नहीं था ना आयता चौर, वो निठल्ला उसके शायद उसके मैथ में 80 कुछ है, 80 में उसके, 80 में उसके मैथ, साइंस में भी ठीक आ रहे उसके मैथ, 10th में तो उसके सही है, खुशी के आ रहे ना मार्क्स एक तरफा, मैथ में उसके 97 है, साइंस में उसके 96 है, तो अलग ही लेवल के, सबसे आगे लगाओ उसका रिजल्ट तुम्हारे सुनो, खुश तो रही थी कल, अभी लगेगा बोर्ड, संचिता गए ना हाइस्ट, संचिता दिए थे, पर उसके संचिता के इसलिए आए ना उसके उस हिंदी इंग्लिश में ज्यादा उनके मेन सब्जेक्ट में, किरण दीदी के उसके शायद मैथ्स में उसके 90 कुछ है, 89-90% मेरे को याद नहीं आया, मैंने कैलकुलेट थोड़ी, मैंने सिर्फ मैथ्स और साइंस के पूछे, अंश तोमर के उसके 90% है उसकी तो, अंश तोमर के एक वो आता था क्या था वो सुमित पंत आता था उसके 95 है मैथ्स और साइंस दोनों में, उसके ज्यादा है, उसके इंग्लिश हिंदी में कम है, यही तो करा उन्होंने, जिसके इंग्लिश हिंदी में ज्यादा है उसके मैथ साइंस में कम है। खुशी एक ऐसी लड़की है जिसके सब सब्जेक्ट में 95 प्लस है, किस सब्जेक्ट में उसके आईटी में शायद 92, दुखी इस बात का उसको, बाकी सब में भयंकर है उसकी परसेंटेज, 95 बन रही थी उसकी, पर स्कूल वाले ने उसको 92 पे दिया, पता नहीं क्यों दिमाग चलाया स्कूल वाले, पता नहीं क्यों, वो आईटी के मार्क्स जोड़ लोगे ना बैठ गया मान लो, बताओ इन्हें, बताओ नहीं छोड़ो देख लो भाई, लेकिन अभी मजा नहीं आया, 100 ही चाहिए थे भाई, 100 में मजा नहीं आता साफ से दिया, जिस दिन 100 आएंगे तभी मजा आएगा, हम रहेंगे अरे आएंगे। अच्छा देखो मेरे को एक बार बताओ, ध्यान से सुनना, 500 में से नहीं लाने इसके भी आएंगे, जोड़ के बताना था, पता क्या है मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मैंने जो देखा रियलिटी बताऊंगा, अगर ये पॉइंट काम कर जाए तो तुम्हारे लिए जिंदगी बन जाएगी, ये ध्यान सुन लेना बस, पॉइंट ये मैंने सिर्फ इतना देखा है, आपको नॉलेज 100% भी है ना तो भी आपके 100 मार्क्स नहीं आ सकते, मार्क्स पता है किस बच्चे के आएंगे, जिसको नॉलेज चाहे 50% हो पर रिप्रेजेंटेशन जिसका अच्छा होगा, मैंने ऐसे बहुत खत्म लोग देखे जिनको आता कुछ भी नहीं था लेकिन रिप्रेजेंटेशन के नंबर इतने मिले हुए कि उनके बहुत अच्छे नंबर आ रखे, ऐसा रिप्रेजेंटेशन राइटिंग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, अगर आपको 100% आता है और आपने रिप्रेजेंट 60% लायक करा तो 60% ही आएंगे आपके, रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज जो अभी से तुम्हें सुधारने के लिए अभी बोल देता हूँ मैं, अपनी राइटिंग पे थोड़ा काम करो, पता है किस सेंस में, कि आप एब्सर्ड ना लिखो, तुम्हारे साथ पता है दिक्कत क्या है, एब्सर्ड मीन ये है तुम्हारा, मैं तुम्हारे साथ डाउट बताता हूँ बहुत अच्छी चीज जो मैंने कल के टेस्ट में देख लेते, जैसे मान लो कल एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था सिंपल सा, कि दो जीरोज है, एक आपको पता है x square plus px plus q करके था एक, और एक शायद x square minus जो भी था 2x minus 5 करके, तो इसके जीरो को अल्फा और बीटा मानते थे, इसके 2 अल्फा और 2 बीटा ऐसे कुछ करके मानते थे शायद, है ना कुछ ऐसा सवाल था, तभी आप टेस्ट देने नहीं आए, अगर आप टेस्ट देने आए चुप रहा करिए ठीक है, क्योंकि आपने डर के घर पे बैठ गए आप तो ठीक है, तो बस होगी बस, तो यहाँ टेस्ट देने क्यों नहीं आए, औकात थी तो यहाँ टेस्ट देते, यहाँ मार्क्स लगते घर स्कूल में, स्कूल में तुम 20 में से 20 भी लाओ जब तक यहाँ फुल नहीं लाओगे तब तक मेरे आगे हिलना मत, साफ सीधी बात, जिस दिन यहाँ फुल लाओगे तब बात करना मेरे से ठीक है, सिंपल सी बात, अल्फा बीटा पता है क्या तुम करते क्या हो, तुम सॉल्व तो बिल्कुल सही करते हो कि अल्फा प्लस बीटा है
और सीधा सीधा टू उतार लिया, अल्फा इंटू बीटा सीधा माइनस फाइव उतार लिया, नो डाउट सही है। लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करते हो? आपको लिखना ऐसे पड़ेगा कि देयर आर टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, देयर रूट्स बिकम टू अल्फा एंड टू बीटा ड्यू टू द रिलेशन गिवन अबव। जितनी ज्यादा लैंग्वेज लिखोगे ऐसा मानो जो टेस्ट जो चेक कर रहा है तुम्हारा उसको कुछ नहीं आता, ये सोच के कॉपी में लिखा करो। जितना ज्यादा रिप्रेजेंट करते हो, रिप्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं, ध्यान रखना इस बात के लिए। मैंने बहुत देखे भाई, कल तो मैं रिजल्ट देख ही रहा था तभी मेरे को पता लग गया था सिंपल सी बात कि रिप्रेजेंटेशन के नंबर है। ऐसे खत्म था एक, नाम नहीं लूंगा, ऐसा खत्म इंसान था वो, उसको शायद ये भी नहीं पता होगा एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इतना खत्म था वो, कर्व्स ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर भी नहीं पता था। ठीक है, मुझे तू भी सीख जाएगा टेंथ में, ठीक है ना। मतलब जिसको ये नहीं पता होगा शायद कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन होता है, शायद इतना ना पता हो, लेकिन उसके तभी भी, उस लड़के के तभी भी 87% है सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के, क्योंकि उस लड़के की राइटिंग इतनी सही है ना, राइटिंग, और सिर्फ क्या करता है वो रिप्रेजेंट अच्छा करता है। जरूरी थोड़ी सब कुछ नहीं आता था उसको, कुछ ना कुछ तो आता ही था ना। और फिर से वही बात, उसको आगे जाके पता था उसको साइंस लेनी नहीं, मैथ्स उसने पढ़नी नहीं है, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना। मैं फिर कह रहा हूँ जो आगे लेना है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना, ठीक है। क्या फायदा, तुम भयंकर परसेंटेज ला रखे 95 और तुम्हारे मैथ्स में कम है, फिर मैथ्स ही नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए वो सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना जो आपको आगे लेना हो। अगर किसी को साइंस और मैथ्स लेना है आगे जाके, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना मैथ्स और साइंस पढ़नी पड़ेगी, उसमें नंबर चाहिए होंगे वरना सब्जेक्ट नहीं मिलने वाले। और खासकर प्राइवेट स्कूल में तो चाहिए तो 80-90% तक लाना। प्राइवेट स्कूल के मतलब ऐसा जो अच्छा स्कूल है, लुच्चे स्कूलों के बारे में बात नहीं करते हम, वो 50% वालों को भी साइंस दे देते, वो 40% वालों को भी साइंस दे देते। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन पे काम करो भाई। चलो एक सवाल करेंगे, क्वेश्चन लिखो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है, बनाएंगे आगे। ठीक है, ये दो इक्वेशन इनको सॉल्व करना है कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से। बाकी कोई अप्लाई मत करना, सब्स्टिट्यूशन ही अप्लाई करना, सिखाना है क्योंकि साफ सीधी बात, ठीक है। बस ये चेक करना है आपको सब्स्टिट्यूशन आता है या नहीं आता है, ठीक है। वो स्पीड वाला कोई दिक्कत की बात नहीं है। और शाम की क्लास में आया करो जरा, शक्लें मत छुपा के बैठा करो घर पे। मंडे से कॉपी भी चेक करेंगे यूट्यूब वाले, तब पता लगेगा कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, तब तो आना ही पड़ेगा सबको। और लाइव क्लासेस का फायदा उठाओ भाई, थोड़ा जरा पढ़ाई करो। और ये सारे चैप्टर रिकॉर्ड हो रहे हैं जितने देखा पढ़ा रहा हूँ नहीं, तो घर में एक बार अगर चाहो, अगर दिमागदार होंगे तो घर में एक बार पढ़ के आ जाएगा घर से थोड़ा बहुत किसी भी चैप्टर को, ठीक है। जैसे एपी वाला चैप्टर है, अगर 22 तारीख से स्टार्ट करेंगे एपी वाला चैप्टर, तो एपी वाला चैप्टर अगर चाहिए होगा तो पहले पढ़ लेना थोड़ा सा, जिसके एग्जाम हो जाएंगे, मतलब जिसके एग्जाम चल रहे होंगे वो देख लेना, मतलब हो जाएंगे वो घर में बैठ के थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा लेना, क्योंकि तुम्हारा पेपर कब खत्म हो रहा है, 17-18 को पेपर खत्म, उसके लेकर 22 तारीख तक क्या करोगे, घर पे करोगे क्या, है ना। तो नया चैप्टर पढ़ के आना थोड़ा बहुत, तभी फायदा है। देखो अगर मेरे से आगे नहीं चलोगे तो नुकसान में रहोगे। आ जाओ इधर, देखो सवाल कैसे करना है, फिर से वही रिप्रेजेंट कैसे करना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले एक इक्वेशन को फर्स्ट मानना, एक को सेकंड, इतने में कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत हो पूछ लेना। किसी भी एक इक्वेशन से हम लोग वैल्यू निकालेंगे एक्स या वाई की, तो मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा लग रहा है सेकंड इक्वेशन ज्यादा आसान लग रही है, इसलिए आसान लग रही है क्योंकि ये देखो यहाँ 2x है, करने के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। पर क्या ना, तो आप बताओ कौन सी इक्वेशन से निकालेंगे, सेकंड से निकाल लें, ठीक है। तो फ्रॉम सेकंड, सेकंड इक्वेशन क्या है, x - y = 1,
माइनस का वाई उधर जाके, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वन प्लस वाई, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब पुट करिए एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई, आपने सेकंड से निकाल कर किस में पुट करोगे, फर्स्ट में, एक से निकाल के दूसरे में तो रखते हैं, तो फर्स्ट में पुट करो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू ट्वेल्व, यहाँ पे x की जगह वैल्यू पुट करो, कितनी x की वैल्यू, वन प्लस वाई प्लस थ्री वाई ऐसी इक्वल टू ट्वेल्व। अब जरा मल्टीप्लाई करो, टू प्लस टू वाई प्लस थ्री वाई इक्वल टू ट्वेल्व, हाँ जी, प्लस का टू उधर जाके, और टू वाई प्लस थ्री वाई फाइव वाई हो जाएगा, फाइव वाई इक्वल टू ट्वेल्व माइनस टू, कितना होता है ट्वेल्व माइनस टू, दस, वाई इज इक्वल टू टेन अपॉन फाइव, कितना आ गया वाई। अब y जो दो आया किसमें पुट करना पड़ेगा, किसमें पुट करा जाए, सेकंड में कर लो, पुट y इज इक्वल टू टू इन सेकंड, सेकंड इक्वेशन है क्या, x माइनस वाई इक्वल टू वन, वाई की जगह टू रख दो, वन आया, x की जगह वन प्लस टू, कितना आंसर, नोट करो पढ़ो तब तो गलत आ रहा, बारह पॉन क्या रहा, गलत यहाँ करा ना, प्लस का टू उधर नहीं भेजोगा ना, तूने सीधा टू वाई क्या करा, तो टू प्लस टू वाई आएगा ना, और प्लस थ्री वाई क्या, और टू वाई भी तो होगा, टू वाई इतना टैलेंट नहीं होना चाहिए ना, फटाफट नोट करो, कोई डाउट पूछो, हो गया, अब तेरी राइटिंग नहीं सुधरी ना, मार खानी तो नहीं, कभी भी सो नहीं आया, सोच रहा, चलो आगे लिखो नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन समझ में आ गया वाला, घर से जरा चार पांच सवाल करके लाना, एलिमिनेशन इसके, सॉरी सब्स्टिट्यूशन के, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, अब कौन से मेथड से करना है, एलिमिनेशन से, ठीक है, चलो देखिए, हाँ यही कर लो यार, पता रहेगा ना आंसर, क्यों, यही कर लो, सही तो पता तो रहेगा आंसर, सही आ रहा गलत आ रहा, मेरी गलती थोड़ी, मैंने मना करा था तेरे को, अब सब्स्टिट्यूशन से कर ले, अरे जल्दी करो भाई, लगा लो वो लोग इतना पढ़ते थे तो भी उनके फूल नहीं आए, समझ जाओ कॉम्पिटिशन बहुत है, और जिसकी कॉपी जिसके भी 90 से ऊपर आते हैं ना उसकी कॉपी तीन बार 10 बार चेक होती है, पता है, तीन से 10 बार चेक होती है, इस बच्चे के 90 आ गए से तो उनको डाउट होता है ना, तो चेक करवाते हैं बहुत लोगों से, सच ये बात, जिसके 90 से ऊपर आते हैं उसकी कॉपी बहुत बार चेक कराते हैं, क्या जो फेल हो जाते हैं उसके सीधा घर भेज देते उसके, मतलब नहीं क्या कह रहा, पता क्या है उनके साथ बस एक ही प्रॉब्लम रही जो इस बार तुम्हारे साथ नहीं है लकीली, उन्होंने प्रैक्टिस करना बहुत लेट स्टार्ट करा, तुम्हारे साथ बस से तुम्हारे प्रैक्टिस पेपर पहले चालू हो गए तो वो थोड़ा एज मिल जाता है, वो एज बहुत है एक दो नंबर लाने के लिए बहुत ज्यादा, तुम्हें चैप्टर वाइज क्वेश्चन अभी मिल गए, उन्हें तभी भी नहीं मिले थे लास्ट तक, ये एज मिल गया तुम्हें, यही होगा जो दो तीन नंबर आएंगे जिसमें ज्यादा है का सोंटियाल गए है का, छुट्टियां बहुत मार रहा हूँ, चलो ये फर्स्ट ये सेकंड, एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं, हाँ जी कौन सा वेरिएबल सेलेक्ट करा जाए, एक्स की वाई, वाई एक्स कौन सा, वाई वाई कोई चूज कर लेते हैं, यहाँ वाई का कोफिशिएंट कितना है, थ्री, यहाँ कितना है वन, इस वन को थ्री बनाना है तो किससे इंटू करोगे, हैं तीन से, तो मल्टीप्लाई सेकेंड बाय थ्री, क्या बनेगी इक्वेशन, अगर थ्री से करो थ्री एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू थ्री, ऊपर वाले को ऐसे लिखो 2x plus 3y equal to 12, दोनों coefficient जो same करें उनका sign क्या है, same,
सेम है कि डिफरेंट है? माइनस एक प्लस है, डिफरेंट है तो ऐड कर दो सीधा सीधा, जैसे जोड़ने बैठोगे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तीन एक्स में दो एक्स जोड़ दो, कितने एक्स हो गए? पांच एक्स। बारह और तीन कितना होता है? पंद्रह। एक्स आएगा पंद्रह अपॉन पांच, तो एक्स कितना आ जाएगा? तीन। अब एक्स जो तीन आया वो पुट कर दो, पुट एक्स इक्वल टू थ्री इन सेकेंड। ओए बातें बहुत कर दो। एक्स का थ्री माइनस वाई इक्वल टू वन, प्लस का थ्री उधर भेज दो, वन माइनस थ्री कितना होता है? माइनस टू। माइनस से माइनस गया, वाई कितना है? दो। दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, ये मेथड है कौन सा? एलिमिनेशन मेथड। अब तुम्हारे स्कूल में होती रहेगी तारीफ जिम पाइनर में, खुशी दे देगी। सुनते रहे, पार्टी है अभी तुम्हारी, अभी रुक तो जाओ, नहीं आना मत आइए, तुम बताइए। छुट्टी मार, उस दिन छुट्टी मारना हो। तुम भी तो बुलाया जाएगा, तुम क्यों नहीं आओ? तुम्हें नहीं आना, मत आना मेरे के जाओ। मैं तो बुला रहा हूँ, मत आना मेरे के जाओ। आएगा ना, मैं सबसे पहले पहुंचूंगा। बोल, अगले हफ्ते या जून में प्लान कर रहे हैं, अभी दो तीन लोग आने बचे हैं, गांव जा रहे हैं बहुत सारे। क्या हुआ? किसमें? उसका 90 है। चलिए अगली हेडिंग। अरे अब जरा आगे लिखो, क्वेश्चन लिखो। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब जो इक्वेशन दूंगा इनको सॉल्व करना है, आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। ठीक है, बस बातें नहीं करनी क्योंकि फिर चॉइस मेरी होगी ना। चलिए चलो भाई, पहला सवाल लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस Following equation has no solution. इनका कोई solution नहीं है, लिखा हुआ। लो भाई, बिना बोले कोशिश करो आंसर निकालने। नो सॉल्यूशन कंडीशन लगाना, साफ साफ लिख ले, क्या फायदा ऐसा पढ़ के, अपनी राइटिंग समझ नहीं आ रही। ये क्या लिखा? वाई आंसर कर लिया। साइन चेंज। हाँ भाई, एक को फर्स्ट एक को सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में देखो, फर्स्ट इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहोगे 3x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन को स्टैंडर्ड में लाना चाहोगे 2k माइनस 1x ऐसी रहेगा, प्लस k माइनस 1 का y ऐसी रहेगा। पूरा इधर ले आओ तो माइनस का ब्रैकेट में 2k प्लस 1 रख सकते हो इक्वल टू 0, ये आएगा। ठीक है, कंडीशन क्या है? नो सॉल्यूशन कंडीशन थी, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। कंडीशन a1 कितना है?
थ्री ए टू कितना है, ए टू कौन होता है, ए टू होता है सेकंड इक्वेशन में एक्स के साथ वाला, तो टू के माइनस वन। बी वन कितना है, वाई का कोफिशियंट ऊपर यहाँ वन है, अपॉन यहाँ कितना है के माइनस वन, इसकी कोई जरूरत नहीं अभी, क्रॉस कर दो क्या बनेगा, थ्री ब्रैकेट में के माइनस वन, वन मल्टीप्लाई होगा टू के माइनस वन, अंदर मल्टीप्लाई थ्री के माइनस थ्री, यहाँ टू के माइनस वन, वैल्यू ट्रांसफर करो प्लस का टू के इधर आके और माइनस वन प्लस का थ्री, तो आ गया के की वैल्यू आ गई टू। जल्दी नोट करिए, ये क्वेश्चन इजी है, इसमें टफ वाला लेवल आएगा जब इसमें भी डबल वेरिएबल बनेंगे, ठीक है, इसमें भी डबल वेरिएबल वाले क्वेश्चन आएंगे, अभी देखना, नोट कर जल्दी। हटा दो ये, जल्दी लिखो, एनसीईआरटी कौन से क्वेश्चन नहीं हो रहे एक्सरसाइज के ना, आ जाएंगे बहुत। चलो भाई अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन, बाकी परसों। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, क्वेश्चन लिख, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ फॉलोइंग इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज, इफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लो पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इस बार, डबल वेरिएबल वाले आ गए, हो गया। आ गया अंदर, निकाल फिर क्यों बैठा हुआ, आगे लगाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, इसके स्टैंडर्ड p प्लस qx प्लस ब्रैकेट में 2p माइनस qy माइनस 21 इक्वल टू 0, कंडीशन वही है a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2
एंड इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, इस बार तीनों इक्वल होंगे। ए वन कितना है टू, ए टू कितना है पी प्लस क्यू, बी वन कितना है थ्री, बी टू कितना है टू पी माइनस क्यू, सी वन कितना है माइनस सेवन और सी टू कितना है माइनस ट्वेंटी वन, सही है इतना। माइनस से माइनस गया, सेवन से ट्वेंटी वन कटेगा कितना आएगा, तो सीधा इसको वन बाय थ्री ही लिख देते, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान देना, पहले सिर्फ टू अपॉन पी प्लस क्यू को बराबर रखिए वन अपॉन थ्री के, ये पहला वाला, तीनों बराबर है ना क्योंकि, तो सिर्फ वन अपॉन थ्री के बराबर रखा इसके, तो यहां से क्रॉस करके थ्री टू जा कितना होता है, और उधर जाके पी प्लस क्यू बनेगा इक्वल टू थ्री टू जा सिक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही अब दो को इक्वल रखो, थ्री अपॉन टू पी माइनस क्यू इक्वल टू वन अपॉन थ्री, मतलब इस वाले हिस्से को इस वाले के बराबर कितना आएगा, ऐसा बना मत देना, थ्री थ्री या नाइन और जब टू पी माइनस क्यू, टू पी माइनस क्यू कितना आ गया नाइन। अब जो ये दो इक्वेशन बनी है इनको सॉल्व करो तब जाके आपका पी और क्यू आएगा। तो इसमें क्या होता है, हम लोग सॉल्व करने बैठते हैं उसके अंदर मेथड लगता है, ठीक है। ये सवाल तीन मार्क्स में आता है, ठीक है, और आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सॉल्व करना इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड से। यस सर, मैं आपने नो सॉल्यूशन कहा था ना, इनफिनिट सॉल्यूशन बोल कर, इनफिनिट नो सॉल्यूशन से पहले वाला था, क्या बोल रहा सब्स्टिट्यूशन था वो, और क्या है तो सब्स्टिट्यूशन था वो, हां बोल क्या नाना, डायरेक्ट हो जाता है सब्स्टिट्यूशन में क्या है या एलिमिनेशन में क्या है, उधर तो रखते हैं किधर, क्यों नहीं नहीं गलत कर रहा था, दूर कहाँ जा रहा हूँ, उसका वन आ गया क्यों, पहले आंसर दे दिया उसको। इक्वेशन ये बन रही आयुष, क्यू वन आ रहा होगा, पी कितना रहा, हाँ क्यू वन पी पांच, तूने पहले और दूसरे को इक्वेट करा होगा ना, वहां से पी और क्यू में इक्वेशन बनेगी, वहां से भी एक तो इनमें से ही बनी होगी, पर जल्दी करो भाई नोट। कुछ भी लिखूंगा है। गलत है, किससे मल्टीप्लाई करा तूने, टू पी प्लस टू क्यू इक्वल टू बारह, और नीचे क्या है टू पी माइनस क्यू इक्वल टू, चलो एटलीस्ट कुछ तो करा तूने। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब इन दोनों टू पी का साइन क्या है सेम है ना, तो सेपरेट करने का साइन चेंज करेगा, तो बिल्कुल सही करा था, इसका माइनस होगा इसका प्लस होगा इसका माइनस होगा, सही है। अब कर टू पी से टू पी गया, ठीक है। अच्छा इधर देख, टू क्यू प्लस क्यू कितना हो जाएगा, है बैंड नहीं, ये थ्री क्यू होगा और बारह माइनस नौ होगा, ये तीन आएगा तो क्यू वन आएगा यहाँ से, ठीक है, तुमने गलती वहां करी। डन, वेरी गुड, मंडे से सबके सब 3:45 पे पहुंच जाना ट्यूशन शाम को, 3:45 पे मंडे से पहुंच जाना, ध्यान रखना। अरे 3 बजे जिसको आएगा वो तो आएगा अपना प्रैक्टिस पेपर करने, पर जो 4 बजे आता था वो 3:45 पे पहुंच जाना मंडे से, क्यों क्या क्यों, जल्दी स्टार्ट करूंगा तो जल्दी छोड़ेंगे क्या, ये मैंने नहीं बोला, ये आपने बोला, मैं बता दूंगा, मैंने कहा जल्दी, मैंने सिर्फ जल्दी बोला, 5 आपने बोला आपके जवाब, हाँ जो 3 बजे आते वो अपने 3 बजे आएंगे। अरे ज्यादा पढ़ लोगे ना, सिलेबस जल्दी नहीं पढ़ जाएगा।
थोड़ी स्पीड तुम्हारी भी बढ़ा देंगे ना, फिर सही रहता है। फिर गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ने वाली है तुम्हारी। क्या नाइन्थ वाले प्रैक्टिस करने आते दस के पावर 18 फिर बकवास। चलो भाई आगे करते जरा काम आराम से। हाँ कुछ चलो भाई जरा आगे बढ़ाते चैप्टर। तुम लोग आओगे कल? तुम्हारा फायदा तो है नहीं देखो सुबह आने कल। अरे पूछा मैंने तुमसे, जिसको बोल रहे हो सुन लो ध्यान से, अपने कान खोल के और ध्यान सुन लो, दोनों और सारे ध्यान सुन लो ना। देखो साफ सीधी बात है, कल लाइट पढ़ाना है सुबह, तुम्हारा लाइट आ नहीं रहा है ऑन अ सीरियस नोट, ठीक है? उससे अच्छा ही होगा तुम घर में बैठ के लाइव प्रोसेस अगर आधा एक घंटा पढ़ भी लोगे वो भी बहुत है, ठीक है? लाइव प्रोसेस या बाकी चैप्टर्स पढ़ लोगे ज्यादा बेनिफिट में रहोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन आज शाम को मैं खत्म करा दूंगा, ठीक है? 90% क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे आज शाम तक इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है? एनसीईआरटी के पीछे से स्टार्ट करूंगा जानबूझ के क्वेश्चन एक्सरसाइज के ना, क्योंकि आगे करा के फायदा है भी नहीं ज्यादा, पीछे क्वेश्चन ज्यादा टफ है ना, आगे फिर भी ईजी है, तो एक्सरसाइज के हम पीछे क्वेश्चन करेंगे। बाकी एग्जाम्पल सारे करवा दिए, एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़वाया, सारे कराए, चाहे वो डायग्राम बनाने का भी वो भी करवाया, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी वहां से देख सकते हो। बाकी इनकेस कोई डाउट होता है तो मेरे को बता देना कि भैया केमिस्ट्री फिजिक्स या बायो में यहाँ डाउट है बता दो, ठीक है? दिन भर फोन खुला रहेगा तो डाउट पूछ सकते हो अपने जो डाउट होंगे, ठीक है? ओह फिर कल आके यहाँ सकल में ध्यान सुन लेना बेटा, एक्सक्रीशन का सिस्टम का डायग्राम आ जाएगा, न्यूट्रिशन सिस्टम का, थैंक यू, सबका डायग्राम आ जाए, सबका डायग्राम आ जाएगा, डायग्राम नहीं लेबलिंग के लिए आएगा डायग्राम, ध्यान रखना। ज्यादा चांसेस इसके कि वो डायग्राम खुद देंगे, बोलेंगे इसको लेबल कर, तब तो सही है, तभी तो मुश्किल है। ठीक है बस एक बार डायग्राम प्रैक्टिस करके चले जाना, ओह सुन लो ध्यान से, फिर करते रहना अपनी मन की, डायग्राम एक बार प्रैक्टिस करके चले जाना, फायदे में रहोगे, ठीक है? लाइट रिकॉर्ड तो करूंगा ही ना, कल कल क्लास का हुई, कल क्लास, कल तो टेस्ट था, तुमने छुट्टी मारी बिना बात के, मैंने थोड़ी बोला, तुम हिंदी इंग्लिश के लिए छुट्टी मार रहे तो कोई बात नहीं ना। कल आए टेस्ट देने, आए टेस्ट पेपर नहीं मिलेगा किसी को। चलो भाई आगे लिखो, खोपड़ा पुल कर दूंगा। क्या पूछना, कुछ पूछना था, पूछ।
लो यार तुम ले जाओ, कल कौन करने आ रहा है? मैं तो आया अबे ऐसे सीधे उसमें मतलब कैसे उसमें एमसीक्यू फॉर्म में आ जाएगा नहीं क्या ये बात पेपर में सीधे क्वेश्चन आते हैं साइंस अबे चले ले पहला वाला टेस्ट किसका सुना भाई जिसने टेस्ट लिया पहला वाला टेस्ट ये लंबा सा जो टेस्ट हुआ था ना किसमें गाइस का लिख लिख के पढ़ ले जा ले ना हाँ भाई जरा लिख लो अरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरा लिखो लाइफ प्रोसेस के फटाफट अरे हैंड डालो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लाइफ प्रोसेस फटाफट लिखो जरा क्वेश्चन लिख लो भाई लाइफ प्रोसेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लाइफ प्रोसेस आंसर भी लिखो ओए बात नहीं हाँ नहीं मेरे को नहीं देखी पता नहीं इन्होंने रखी होगी तो पता नहीं इनसे कुछ पहला वाला अरे ले लियो पहला क्वेश्चन लिखो भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लाइफ प्रोसेस पहला क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स आता है ये बहुत बढ़िया ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉप्स ठीक है इनका डिफरेंस लिखना पहला दूसरा 3 मार्क्स का 3 पॉइंट 3 मार्क्स में 4 पॉइंट लिखना 1 पॉइंट हमेशा ज्यादा लिखा जाता है ध्यान रखना अगला क्वेश्चन ओए बात है व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोरस लॉन्गर देन इन कार्बिवोरस ये बताया है अभी है longer than in carnivorous carnivorous agla carnivorous agla question रेट ऑफ ब्रीथिंग इन अरे क्वेश्चन लिखो यार रेट ऑफ ब्रीथिंग इन
एक्वाटिक एनिमल्स, रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक एनिमल्स इट इज मच फास्टर rate of breathing in aquatic organism the aquatic animal is much faster than in terrestrial organism answer likh lo answer likho dekho aquatic animals हाँ भाई एक्वाटिक एनिमल्स ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर which is present in dissolved water through their gills किसके थ्रू लेते हैं गिल्स के थ्रू Therefore, the amount of dissolved oxygen is small. Therefore, the amount of dissolved oxygen is small. As compared to amount of oxygen in the air. Therefore, aquatic animal breathe much faster. Point to ye. नहीं आएगा पांच नंबर में टीचर के अंदर भी दिमाग अगला सवाल लिखा रहा हूँ अगला सवाल क्वेश्चन है why lungs always contain residual volume इसकी लंग्स ही कंटेन रेसिड्यूअल RESIDUAL रेसिड्यूअल वॉल्यूम मतलब ऐसा है कि जो लंग्स है उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ एयर बची रहती है चाहे आप कितना भी एयर उसके अंदर इनहेल करोगे एक्सहेल करोगे कुछ ना कुछ एयर उसके अंदर रिमेनिंग रहती रहती है तो रीजन लिखो बिकॉज During breathing cycle, when air is inhaled and exhaled,
इनहेल एंड एक्सहेल, देयर मस्ट बी, देयर मस्ट बी सफिशिएंट टाइम, देयर मस्ट बी सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन, देयर मस्ट बी सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्सॉर्ब्ड, टू बी एब्सॉर्ब्ड एंड फॉर द CO2, and for the CO2 to be released, to be released. Also, due to this residual volume, also due to this residual volume, lungs do not collapse, lungs do not collapse, lungs कभी भी क्या नहीं करेंगे, collapse नहीं करेंगे. ठीक है, अगला सवाल. अबे क्या कर रहा है, मत कर, बाहर कर दे. किसका ये कौन का लगा, 10 रुपए का लगा. व्हाट इज द रोल ऑफ, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड. ये सबको पता है क्योंकि सलाइवा क्या रिलीज करता है, सलाइवी एमाइलेज. ठीक है, अगला क्वेश्चन. व्हाट व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, what are the consequences of a deficiency, what are, kya likha, what will be, yeah, what are the consequences of a deficiency of a deficiency of hemoglobin in our body, of a hemoglobin in our body. Oh, mat karo, jiska bhi hai faltu mein acha lagega bhayankar, cube nikal ke toot jayenge sare ke sare. Ek sawal puch lunga bhi uska wahi nahi kar paoge cube kai. Oh, nahi to puchu cube ka diagonal kitna hota hai, wo bhi nahi aata hoga. Sahi baat hai, spelling hi puch lo, isme bhi doubt hoga. आयुष बोलो उसने, लिखो आगे. क्वेश्चन ये था कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मतलब क्या कमियां होंगी अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो. हीमोग्लोबिन करता क्या, ये पता करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपने देखा है आपका जब ब्लड होता है, ठीक है, जब वो निकलता है रेड कलर का निकलता है, उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसी रेड ब्लड सेल होता है हीमोग्लोबिन और कुछ नहीं होता, पहले समझ लो. अगर ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो बॉडी में ज्यादा रेड ब्लड सेल होंगे. अब रेड ब्लड सेल क्या करते हैं, तो आप जो ऑक्सीजन लेते हो ना, उसको पूरी बॉडी में जो ट्रांसफर करने का काम है वो रेड ब्लड सेल का ही है. दोबारा मेरी बात को ध्यान सुनना, हीमोग्लोबिन क्या है, रेड ब्लड सेल है. रेड ब्लड सेल का काम क्या है, जितनी ऑक्सीजन आप ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो, उसको क्या करना है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है, सर्कुलेट करना है, मतलब साफ सीधी बात. अब खुद सोचो अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है तो रेड ब्लड सेल कम होंगे, है ना, और उसी वजह से ऑक्सीजन भी क्या जाएगी, कम, ट्रांसपोर्ट कम होगी. और अगर ऑक्सीजन कम जाएगी तो एनर्जी कम बनेगी ना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कम काम करेगा. और एनर्जी कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया. और माइटोकॉन्ड्रिया किसकी वजह से बनाता है, ऑक्सीजन की वजह से. अगर ऑक्सीजन ही कम जाएगी तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एनर्जी भी क्या बनाएगा, कम. आपको लो एनर्जी फील होगा और इसकी वजह से आपको चक्कर आने का खतरा रहता है. एक और बात मैंने बोला हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन मतलब रेड ब्लड सेल. अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो रेड ब्लड सेल भी क्या होगा, कम. रेड ब्लड सेल करते क्या है, ऑक्सीजन सर्कुलेट करते हैं पूरी बॉडी में, तो ऑक्सीजन भी क्या जाएगी, फिर कम जाएगी. अगर ऑक्सीजन कम जाएगी तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एनर्जी क्या बनाएगा, कम बनाएगा, आपको एनर्जी कम फील होगी. तो आंसर लिखिए, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड. अच्छा ठीक है, लिखिए, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड,
ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी विल डिक्रीज. क्या डिक्रीज होगी? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. क्या इंदा तो बोला ही नहीं, हीमोग्लोबिन इन ब्लड बोला था, फिर ऑक्सीजन कैरिंग, इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी विल डिक्रीज. ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी विल डिक्रीज. Due to which production of energy will be less, या will be slower. Production of energy will be slower. सही बात है. Energy क्या बनेगी? धीरे धीरे बनेगी, slow slow. And it can cause, और इसके वजह से energy कम बनेगी तो क्या feel होगा हमें? ठीक है, बहुत बड़ा. And it cause fatigue. आपको थकावट लगे, फैटिग, फैटिगनेस होगी, मतलब थकावट होगी, फैटिगनेस, एफ ए टी आई जी यू ई और एन एस, फैटिगनेस. ठीक है, ऐसा. अगला सवाल, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? व्हाट इज डबल सर्कुलेशन एंड व्हाई इज इट नेसेसरी? आंसर लिखिए. ये मैंने बताया भी था शायद उस दिन कि आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो दो बार घूमता है. एक बार जब आप इनटेक करते हो सांस तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड घूमता है, फिर आपकी बॉडी वापस भी तो छोड़ती है, वो ब्लड फिर वापस आता है. तो आपके हार्ट से जो खून है वो दो बार जाता है. कितनी बार जाता है? दो बार. आपकी बॉडी से हार्ट दो बार जाता है, सॉरी ब्लड दो बार जाता है, इसीलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं. कोई दिक्कत तो नहीं है? तो लिखो जरा सवाल, आंसर लिखो. इन आवर हार्ट, इन आवर हार्ट, हार्ट एच ई आर एच ई आर टी वाला, हाँ हार्ट, ब्लड एंटर्स ट्वाइस. हार्ट से दो बार जाएगा ना, हार्ट से तो दो बार जाएगा ना, डबल सर्कुलेशन हार्ट के लिए बोलते. आगे लिखो, लिख दिया, फुल स्टॉप. द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, द ऑक्सीजन, क्या बेटा, हाँ उसी के आगे, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंटर्स द लेफ्ट आर्ट्रियम, एंटर्स द लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम में जाता है. And it is sent to left ventricle, and it is sent to left ventricle. From there, baatein nahi. From there, it goes into different body parts. From there, it goes into different body parts through arteries. Through arteries. इतना सही है? लिख दिया? अगली लाइन में लिखना. अगली लाइन में लिखना. The body parts. अगली लाइन में लिखो. The body parts. The body parts. Send the blood back to the heart, back to the heart, which is deoxygenated. कैसा ब्लड है अब? Deoxygenated. क्योंकि ऑक्सीजन तो बॉडी पार्ट ने ले लिया होगा ना, which is deoxygenated through veins. है ना, deoxygenated किसके through जाता है? Veins के through. Through veins, ठीक है. अगली लाइन में लिखो. सवाल ये था, एक और सवाल दोस्त, क्या क्या था जरा पढ़ना. नेसेसरी क्यों है, क्यों है ये जरूरी कि डबल सर्कुलेशन करना ही करना है?
अच्छा एक बात सोचो, ओए ध्यान सुनो, अगर मान लो सिर्फ एक साइकिल करी जाए, सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया जाए, तो भाई हमारी बॉडी में जो CO2 बन रही हो तो रिलीज ही नहीं होगी कभी, वो तो बाहर ही नहीं आएगी ना CO2, वो तो बॉडी में जम जाएगी, ठीक है। और अगर सोचो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जा ही रहा है, ऑक्सीजनेटेड नहीं जा रहा, तो एनर्जी नहीं बनेगी फिर तो। इसलिए दोनों चीजें होना जरूरी है, ऑक्सीजनेटेड का जाना भी जरूरी है और डीऑक्सीजनेटेड का वापस आना भी जरूरी है, दोनों चीजें होना क्या है इंपॉर्टेंट, सही बात है, क्योंकि तभी तो फ्लो ऑफ एनर्जी बना रहेगा, ऑक्सीजनेटेड जाएगा एनर्जी बनाएगा, डीऑक्सीजनेटेड उस एनर्जी को खर्च करेगा। दिस साइकिल शुड बी कंप्लीट इन नेचर, ठीक है, इसीलिए ये होता है, ठीक है। तो लिख लो आंसर, लिखो, because human constantly need energy, इंसान को हमेशा एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, constantly need energy to maintain its body temperature, ये तो नॉर्मल सी बात है, आप कहीं बैठे भी हो खाली तो भी आपकी बॉडी क्या कर रही होती है, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए काम कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल आप गर्मी में बैठे हो तो आपको पसीना आता है ना, वो इसलिए आता है आपका बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कि आपको गर्मी लग रही है तो लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है, हर चीज का रीजन है, ठीक है। अगला लिखो, और फिर भी पसीना आएगा तो अगला लिखो, फिर तो हिसाब से आपको घर ही नहीं आने देना चाहिए घर वालों को, क्योंकि सस्ता सा लिया है ना बेटा भी तो। अगला लिखो क्वेश्चन, बाकी इसमें खास वही क्वेश्चन आएंगे, आपको मैंने वो पढ़ाया था ना एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो आएगा, और एक वो बताया था कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या डिफरेंस होता है, डायफ्राम के बारे में डायग्राम जरूर बना के जाना, ठीक है। हीमोग्लोबिन वाला क्वेश्चन वही क्या था जो पूछ लिया है बे, हीमोग्लोबिन वाला वही था जो पूछ चला था, हो गया ना वो, ओ चलो ठीक है, कल दोनों और सारे मत आना, ठीक है, ध्यान सुन लेना, अभी सुन लो, क्या करेगा आके अपना पढ़ना जो आ रहा है, उससे अच्छा तो इलेक्ट्रिसिटी क्लास देख लेगा बैठ के रिकॉर्ड करी। अरे ध्यान सुनना, कल दोनों साल मत आना, लेकिन मेरे को डायग्राम बना के दिखाना है एक्सक्रीशन सिस्टम, ध्यान सुन लेना, फिर मत बोलना बताया नहीं था, एक्सक्रीशन सिस्टम तुम्हारी प्रैक्टिस रहेगी और डायग्राम भी बन जाएगा, एक्सक्रीशन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और कोई सिस्टम सोचा, सारे डायग्राम मेरे को चाहिए कम्प्लीट, ठीक है, सारे अच्छे वाले डायग्राम बनाना, पेंसिल से लेकर बढ़िया करके, ठीक है, डायग्राम बना इसके भेज देना कल ही, ठीक है, कल ही कल में निपटा देना, गाली मत खाना मेरे से फालतू में, पेपर फालतू में खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है, और लाइफ प्रोसेस आपका इलेक्ट्रिसिटी का काम पूरा होना चाहिए सारे 2-9 सालों का, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन तो करोगे ना प्रैक्टिस, अगर नहीं जाओगे प्रैक्टिस करके मार्क्स नहीं आएंगे इलेक्ट्रिसिटी में, और आज वाली क्लास तो खास कर लेना, वैसे एग्जाम में इजी आएंगे इलेक्ट्रिसिटी के, पर देखो साफ सीधी बात है मुश्किल भी करके चले जाओ, ठीक है, बाकी हम लोग लाइट कंटिन्यू करते हुए चलेंगे आगे जितना चलेगा, ठीक है, एक्सक्रीशन सिस्टम पढ़ाना, ठीक है, चलो फिर जाओ, एंजॉय, हैव अ नाइस डे।